हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को रिवाइज़ करेंगे और रिवीजन 4 एक्सरसाइज 1.3 हम लोग अभी देख लेते हैं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, मल्टीप्लाई का है। तो ये मल्टीप्लाई करना, तो यहीं पर मैं आंसर इसके लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, तो यहाँ से ये आपका नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा। साइन का तो काम हो गया, अभी 9 7 जा 63 होते हैं तो माइनस के 63 आ जाएंगे, ठीक है? इसका तो हो गया। उसके बाद 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। इसके साथ प्लस या माइनस साइन आपको नहीं लगाना है। उसके बाद ये माइनस के 29 है और मल्टीप्लाई 0 है, ठीक है? माइनस के 29 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी नंबर है जिसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आपका कितना आएगा? 0 ही आएगा, और 0 के साथ आपको प्लस या माइनस साइन नहीं लगाना है, ठीक है? उसके बाद ये माइनस के 15 है और प्लस का 1 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये माइनस का नंबर, ये प्लस का नंबर है, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव आता है। साइन का काम तो खत्म, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 62 को -8 से मल्टीप्लाई करना है तो साइन आपको डिसाइड करना है साइन कौन सा आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा साइन माइनस का आता है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 62 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 16 और 8 6 48 और ये 49 हो गया, तो कितना आ जाएगा? ये 496, तो ये माइनस के 496 आ जाएगा, ठीक है? स्टूडेंट्स, अभी इसमें नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखा हमने -138 है और मल्टीप्लाई -3 है, तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका साइन क्या रहेगा? प्लस, और प्लस साइन को जनरली लिखा नहीं जाता है, ठीक है? तो हम 138 को कितने से करते हैं? 3 से करते हैं, तो 8 3 24 हो गए, 3 3 9 और 2 11, 3 1 3 और 1 4, तो 414 आ जाएगा। कितना आएगा? 414, ठीक है? तो साइन इसमें कौन सा आएगा? प्लस का, तो प्लस का साइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो 414, ठीक है? ये नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है? लिखना इसका ज़रूरी नहीं है, अब अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी इसको छोड़ना चाहें तो प्लस का साइन हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन माइनस का साइन हम अपनी मर्ज़ी से छोड़ नहीं सकते, माइनस के साइन को लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये आप कर लेंगे इसमें, ठीक है? अब स्टूडेंट्स, हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको अप्लाई करना है इनको सोल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये ग्रुप बनाया हमने, ये ग्रुप और ये ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है? यहाँ पे 52, यहाँ भी 52, 52 हमने बाहर निकाल दिया तो मल्टीप्लाई, अंदर क्या बच गया? ये 27 और यहाँ पे माइनस के 32 बच गए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, 52 मल्टीप्लाई 27 और माइनस के 32 है, तो ये क्या आएगा? माइनस के 5 आ जाएंगे, ठीक है? अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना रहेगा? 52 को 5 से करते हैं तो 260 आता है, लेकिन साइन कौन सा रहेगा इसमें? माइनस का साइन, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो माइनस के 260 आ जाएंगे। यहाँ पे 52 और 5 को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? इसके बाद हम लोग अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हम ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ भी ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो ये -13 यहाँ पे, -13 यहाँ पे, तो माइनस के 13 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया? ये माइनस के 22 और माइनस के 11 बच गए, ठीक है? तो ये माइनस के 13 हो गए मल्टीप्लाई माइनस के 22 और माइनस के 11, जब जोड़ेंगे तो कितने हो गए? माइनस के 33 हो गए। अभी फिर आपको क्या करना है इसमें, भाई ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तो आएगा प्लस का। अभी 13 को 33 से गुणा करते हैं, तो 13 और ये 33 गुणा करिए, 13 3 39 और ये 39, तो 9 आगे और ये 2 आगे 4, 429 आएंगे, 429, तो यहाँ पे आएगा 429। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, हमें इसमें केवल ग्रुपिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ये ग्रुपिंग की, यहाँ पे ग्रुपिंग की, तो यहाँ पे भी 20, यहाँ भी 20, तो 20 हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या हो गया? ये माइनस के 4 और यहाँ पे माइनस के 5, तो ये हो गया आपके 20 मल्टीप्लाई माइनस के 4 है, माइनस के 5 है, तो माइनस के 9 हो जाएंगे ना, माइनस के 9। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 को 9 से करेंगे तो अब इस साइन आपको ध्यान रखना है, इसमें साइन यहाँ पे माइनस को माइनस का साइन आ जाएगा, 20 को 9 से किया तो 180 आ गया, तो ये 180 आ जाएंगे, 180
80 आ जाएंगे माइनस के। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये वाला अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर ये आपका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा हमें। तो ये है, ये दो नंबर हैं और ये आगे वाले दो नंबर, इनका ग्रुप कर दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो दोनों दोनों ग्रुप में आ रहा है। तो ये 2543 यहाँ भी है और 2543 यहाँ भी है, तो इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। 2543 कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे तो 200 बच गया ना, तो 200 और माइनस यहाँ पे 2543 है तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये 100 बच गया। ठीक है, उसके बाद 2543 मल्टीप्लाई, ये 200 है इसमें से 100 माइनस कर दिया तो 100 बच गए। ठीक है, अभी इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना, तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2543 और इसके आगे कितनी जीरो लगानी है आपको, 2 0 1 0 2 0। तो ये आ जाएगा, इस तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसमें इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या बच गया, ये 31 और माइनस 10। ठीक है, और ये साइन आपको अभी लगा देना है यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये वाला ऐसे कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई, ये आपके हो गए 31 और ये 10 हो गए। ठीक है, तो जीरो मल्टीप्लाई 41, तो जीरो को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, जीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज एक्सरसाइज 1.3 इन रफ नोटबुक। आपको एक्सरसाइज 1.3 को रफ नोटबुक में अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।